हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेडिकेट। हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हम प्रेडिकेट की बात करेंगे। प्रेडिकेट के फोर पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट। वर्ब क्या होता है? वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन या स्टेट बताती है। वर्ब दो तरह की होती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एक्शन बताती है और हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, स्टेट बताती है, अवस्था बताती है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, रोहन इज अ टीचर, रोहन एक टीचर है। इसमें इज एक हेल्पिंग वर्ब है और जो कि रोहन की स्टेट अवस्था को बता रही है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। और रोहन टॉट मी, रोहन ने मुझे पढ़ाया, तो रोहन ने मुझे पढ़ाया, मेरे ऊपर फर्क पड़ा, मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ा उसका। तो यहां पर जो टीच की सेकंड फॉर्म टॉट है, यहां पर यह एक एक्शन वर्ब है। तो एक्शन का मतलब होता है कोई कार्य हो रहा है, और स्टेट का मतलब होता है इसमें कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ अवस्था स्थिति के बारे में बताया जाता है। तो अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि जो मेन वर्ब्स होती हैं वो अकेले भी रह सकती हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अकेले नहीं रह सकती, उनको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम सेंटेंस ले, शी इज, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए, जैसे कि अगली लाइन में आप देखेंगे, शी इज प्लेइंग, प्ले की जरूरत पड़ी है। प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है, तो शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, यहाँ पर इज की हेल्प के लिए प्ले है, तब जाके ये सेंटेंस कम्प्लीट सेंटेंस हुआ है। जैसे कि ड्रिंक, रीड, प्ले, गो, ये जितनी भी वर्ब्स होते हैं जिनमें एक्शन दिखाई पड़ता है, खाना, पीना, हंसना, ये सारी मेन वर्ब्स होती हैं, और इज, आर, एम, वाज, वर, डस, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और जो मोडाल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, इनको भी हम हेल्पिंग वर्ब्स में ही एड करते हैं। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। एन ऑब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का पार्ट होता है, इट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है उसको ये रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जो कि सीधा सब्जेक्ट से एक्शन लेता है उसको डायरेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट से ना लेकर के ऑब्जेक्ट से लेता, ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएंगे? तो अगर हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पूछे क्या और कौन, व्हाट और हु, तो जो आंसर आएगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे द चाइल्ड फ्लू द काइट, बच्चे ने पतंग उड़ाया। अब हम इसमें पूछे क्या, क्या उड़ाया, आंसर मिलेगा पतंग, काइट, तो काइट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। अब की बार हमें क्वेश्चन पूछना, एट होम, टू होम, फ्रॉम होम, फॉर होम, मीन्स किस पर, किसको, किससे, किसके लिए, जो भी इनका आंसर मिलेगा वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमें एग्जाम्पल लें, द टीचर गेव अ पेंसिल टू रोहन, टीचर ने रोहन को पेंसिल दी, तो पेंसिल यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट से सीधा कनेक्टेड है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रोहन कनेक्टेड है क्योंकि पेंसिल रोहन को दी, तो रोहन यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछे, अ पेंसिल इज गिवन टू होम, किसको दी गई पेंसिल, तो आंसर मिलेगा रोहन, तो रोहन यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पे, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए। जैसे आपने देखा, द टीचर गेव अ पेंसिल टू रोहन, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है, और अगर हम इसको चेंज करके लिखें, द टीचर गेव रोहन ए पेंसिल, तो इसमें रोहन पहले आया, तो रोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वह पहले आ गया है, तो कोई कहीं भी आ सकता है। एक चीज और नोट करने वाली है कि जितने भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अधिकतर प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, और प्रीपोजिशन कौन से, टू और फोर। अक्सर ऐसा होता है टू और फोर प्रीपोजिशन के जो बाद आता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये भी चीज है नोट करने के लिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है बिना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जब तक कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है। थर्ड पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्प्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की कम्प्लीट करता सेंस को, वही कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर्म ऑफ बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन, ये सब मिलकर के कॉम्प्लीमेंट बनता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले, यू आर अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी हो,
तो इसमें मैं पहले आपको ये समझाऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। यू आर ए प्लेयर, आप एक खिलाड़ी हैं। इसमें यू और प्लेयर दोनों का मतलब एक ही है, आप खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी आप हैं। इट मीन्स यू प्लेयर है, प्लेयर यू है, सेम चीजें हैं, वर्ड अलग अलग हैं, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम देखें दूसरा सेंटेंस, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहां पर देखेंगे आई मैन पेन नहीं है और पेन आई नहीं है। आई इज नॉट इक्वल टू पेन और पेन इज नॉट इक्वल टू आई, इट मीन्स दोनों डिफरेंट है। तो जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो वहां ऑब्जेक्ट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यू आर ए प्लेयर, आप एक खिलाड़ी हैं, तो यू प्लेयर है, प्लेयर यू है, दोनों एक ही हैं। तो जो यहाँ पर प्लेयर है खिलाड़ी, वह सब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, माई पेरेंट्स नेम्ड मी अर्जुन, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम अर्जुन रखा, तो यहाँ पे मी पेरेंट्स नहीं है, माई पेरेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मी माई पेरेंट्स नहीं है, माई पेरेंट्स मी नहीं है, मी बिल्कुल अलग है, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो यहाँ पर अर्जुन है, अर्जुन किसको बता रहा है, माई पेरेंट्स को या मुझे, तो मुझे बता रहा है। इट मीन्स कि रिपीटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक चीज और बताएंगे कि एक होती है फैक्टिटिव वर्ब्स। फैक्टिटिव वर्ब्स जैसे कि यहाँ पर नेम्ड है, नेम्ड, मेड, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको फैक्टिटिव वर्ब्स कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही आ जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आपने देखा माई पेरेंट्स नेम्ड मी अर्जुन, इसमें ऑब्जेक्ट भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है, अर्जुन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। एक चीज और नोट करेंगे कि दो क्रियाएं होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, पासिंग ओवर, जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे द बॉय प्ले फुटबॉल, इसमें फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसकी जरूरत पड़ी है प्ले को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और दूसरी है इंट्रांजिटिव, जिसमें द बॉय लाफ्स लाउडली, जैसे लाफ्स है, हंसना, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये मोटी मोटी बात यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब हम प्रेडिकेट के लास्ट पार्ट की बात करेंगे, एडजंक्ट। एडजंक्ट सब्सिडियरी भी बोल सकते हैं, सहायक भी बोल सकते हैं। एन एडजंक्ट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू ए सेंटेंस, बट वेन रिमूव्ड मेक्स नो हार्म और इफेक्ट टू इट्स मीनिंग। इट मीन्स कि जो एडजंक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सेंटेंस में, लेकिन अगर हम उसको रिमूव कर दें, हटा दें, तो सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा, टुमोरो लगा दें यहाँ पे कल, तो यहाँ पे जो टुमोरो है ये एक एडजंक्ट। अगर हम टुमोरो को हटा दें तो भी सेंटेंस वही रहेगा कि वह क्रिकेट खेलेगा। तो यस्टरडे मॉर्निंग, केयरफुली, हियर, देयर, टुडे, टुमोरो, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सब एडजंक्ट होते हैं। अब हम एक चीज पर पहुंचे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सब चीजों को मिलाकर अगर हम देखें पिछले तीन वीडियोस को, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या दोनों प्लस एडजंक्ट, जिनको हम अदर वर्ड्स भी कहते हैं। नाउ इफ यू थिंक माई वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सून आई विल बी हियर विद यू with my new topic. Till then, stay safe, stay connected, and have a good day.